लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक, गुरुग्राम से दिल्ली तक झमाझम बारिश। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को आज झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत, बीते कई दिनों से लोग गर्मी से थे परेशान। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को यातायात के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, बारिश की वजह से सरिता विहार इलाके में हुआ जल भरा। हरियाणा के गुरुग्राम मानसून की पहली बारिश से गर्मी से मिली राहत, इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को हुई परेशानी। हिमाचल के कांगड़ा में बो घाटी में मौसम की मार, बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को बचाया। कांगड़ा के बो घाटी में दरिया किनारे घरों को करवाया जा रहा है खाली, लैंडस्लाइड से दर्जन भर मकान मलबे में दबे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कुल्लू में की सड़कें बंद, वाहनों का हुआ नुकसान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से सड़क पर आया सैलाब, नेशनल हाईवे 3 के दोनों ओर गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी, नदी नालों के पास न जाने की हिदायत भी दे दी गई, सीएम जयराम ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। देहरादून में बारिश और बाढ़ का कहर, जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर है, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान, मुंबई के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की सेफ्टी वॉल पर बैठी महिला बैलेंस बिगड़ने से समंदर में जा गिरी, एक फोटोग्राफर ने महिला का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर के बाइक सवार को बचाया, नदी के तेज बहाव में फंसे थे दोनों। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, सड़क टूट कर बह जाने से इलाके के 2 दर्जन गांवों का आवागमन ठप हुआ। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों पर बड़ा खुलासा, कानपुर का एक बिल्डर दोनों आतंकियों को करते थे फंडिंग। कानपुर का ही एक हिस्ट्री शीटर आतंकवादियों को मुहैया कराते थे हथियार, आतंकी मिन्हास के पास से बरामद हुआ था असलहा। मिन्हास के पास से मिली डायरी से खुल सकते हैं कई राज, डायरी में कोडिंग भाषा में लिखी बातों को डिकोड करने में जुटी है एटीएस। यूपी एटीएस ने कानपुर से आरोपी बिल्डर और हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया, आतंकवादियों को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले 2 युवकों को भी पकड़ा। आज से एटीएस की 14 दिन की रिमांड पर रहेंगे दोनों आतंकी, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में कल हुई थी पेशी, 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की रच रहे थे साजिश। यूपी आतंकी साजिश मामले में एक्शन में एटीएस की टीम, यूपी के 5 जिलों से 23 संदिग्ध स्लीपिंग मॉड्यूल को हिरासत में लिया गया। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, आतंकियों का एक साथी नई सड़क कानपुर में रहता था। दोनों आतंकवादियों ने कानपुर के संदिग्ध आतंकी से कई बार की थी मुलाकात, संदिग्ध आतंकवादी ने कानपुर के धार्मिक स्थलों और मॉल की फोटो और नक्शे भी भेजे थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आतंकी व्हाट्सएप कॉलिंग का करते थे इस्तेमाल, बेरोजगार और जरूरतमंद युवकों को बहलाते थे। यूपी आतंकी साजिश मामले में जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, आतंकी मिन्हाज के चाचा का कनेक्शन ईरान, पाकिस्तान और पुलवामा से है। आतंकी मिन्हाज चाचा शाहिद के कनेक्शन का इस्तेमाल कर अलकायदा से ट्रेनिंग लिया था, शाहिद 2 बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जा चुका है। जी हिंदुस्तान से बोले उत्तर प्रदेश के डीजीपी, अलकायदा के आतंकवादियों से पूछताछ में पता चलेगा किसके इशारे पर थी दहलाने की साजिश। उत्तर प्रदेश के डीजीपी बोले जांच एजेंसी अपने स्तर पर जानकारी लेकर के कार्रवाई करेंगी, आतंकियों के मंसूबे का भी पता किया जाएगा। आतंकी साजिश पर बोले यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एटीएस एसटीएफ और इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जाएगा। कश्मीर घाटी में आईएसआईएस के लिए भर्तियां कर रहे 3 संदिग्धों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, अनंतनाग के रहने वाले हैं तीनों, 7 जगह छापेमारी की जा रही है। जनसंख्या नीति पर दारुल उलूम ने जताई नाराजगी, कहा ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बच्चों की क्या गलती है जिनको सरकारी योजनाओं से दूर रखा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने किया जनसंख्या कानून का समर्थन, महंत नरेंद्र गिरी ने पूछा बच्चे अल्लाह की देन कैसे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए उकसाते हैं मौलाना और नेता, 2 बच्चों से ज्यादा वालों पर हो सख्त पाबंदी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एनडीए में मतभेद, योगी सरकार के फैसले पर सीएम नीतीश ने जताया कड़ा विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो जनसंख्या खुद नियंत्रित हो जाएगी। जनसंख्या कानून पर आमने सामने आए बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम रेणु देवी, बोली महिला से ज्यादा पुरुष को जागरूक करने की जरूरत। दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर शनिवार को केजरीवाल से कर सकते हैं मुलाकात, राजभर शिवसेना और टीएमसी लीडर्स से भी मिल सकते हैं।
तमाम विपक्षी दलों को एक करने के प्लान में है राजभर। सूत्रों के मुताबिक राजभर 2022 के साथ 2024 का भी सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव को आज पंचायत चुनाव हार के कारणों पर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सब जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस की आज बैठक होगी, तैयारियों को लेकर के होगी चर्चा। प्रियंका गांधी 14 जुलाई से 4 दिन का लखनऊ दौरा करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन पर करेंगे चर्चा। 15 जुलाई को होने वाले पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जा सकते हैं, कॉरिडोर की तैयारियों का लेंगे जायजा। चित्रकूट में संघ की बैठक का आज अंतिम दिन है, सभी पदाधिकारियों को बैठक के लिए जो फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी दी जाएगी और आगे के टास्क सौंपे जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई कैबिनेट कमेटी गठित। सीसीपीए में भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया सोनोवाल शामिल। निवेश मामलों की कमेटी में सिंधिया, राणे और अश्विनी को भी जगह। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। असम समेत 8 राज्यों के साथ कोरोना के हालात पर पीएम मोदी करेंगे चर्चा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से जुड़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 5 बजे खिलाड़ियों से करेंगे बातचीत। असम की हिमंता सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में किया पेश। हिंदू बाहुल्य इलाकों में गौवध होगा गैर जमानती अपराध। नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होगी, आज शाम 5 बजे से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। भगवान चौकसी को जमैका कोर्ट से मिली जमानत, इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की भी इजाजत। चौकसी ने खुला था खराब सेहत वाला कार। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट करेगी पेश। अनिल देशमुख ने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की है। बीजेपी नेता प्रीतम मुंडे पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आज मुंबई पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे नाराज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष बदलने की तैयारी में कांग्रेस। 14 जुलाई को सोनिया गांधी ने बुलाई संसदीय रणनीतिक समूह की मीटिंग। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में एक शख्स की उसके पड़ोसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पहले शख्स पर ताबड़तोड़ वार की और फिर पत्थर से उसका सिर भी कुचल दिया। दिल्ली के छावला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश अब्दुल वाहिद को पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाश पर दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज किए गए। कोरोना को लेकर के आईएमए की सख्त चेतावनी। कहा कि महामारी के इतिहास को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर निश्चित ही आकर रहेगी, लापरवाही भारी पड़ेगी। आईएमए ने एक बयान में कहा है कि पर्यटकों का आना, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। देश के कई राज्यों में अभी भी बनी हुई है वैक्सीन की कमी। मुंबई में सेंटर में बंद है, बिहार में वैक्सीन की भारी किल्लत। मध्य प्रदेश में आज से अब 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर और 100% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट अनलॉक किए गए। शादी में 100 लोग भी शामिल हो सकेंगे। असम के जोरहाट में 2 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका के चलते नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की कार सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कार और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूटी सवार शख्स को ट्रक ने कुचल दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं ने भी की मारपीट, जिसमें 2 महिलाएं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भोपाल में आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। 4 दिन का होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। 9 अगस्त से 12 अगस्त चलेगी कार्यवाही। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सीएम शिवराज ने किया फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ। खबरों की सत्यता की जांच करेगा ये पोर्टल। जनसंपर्क विभाग करेगा फैक्ट चेक पोर्टल का संचालन। मध्य प्रदेश में आज से फिर होगा निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन। एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया। कल शाम 4 बजे आएगा एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं के नतीजे। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार। छत्तीसगढ़ में आज से किराए में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर बस ऑपरेटर संघ की हड़ताल। 14 जुलाई को जल्द समाधि का किया ऐलान।
पटना में शादी समारोह के दौरान एक मकान में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आज गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो उसकी बैठक का अध्यक्षता करेंगे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बुधवार को दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। पंजाब के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है, मरीजों को परेशानी हो रही है। राजस्थान के सीकर में बैंक कर्मचारी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बैंक कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महंगाई से आम आदमी को मामूली राहत, मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई दर 6.26% की गिरावट। वित्त मंत्रालय ने LIC में सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने के प्लान को मंजूरी दे दी है। निवेशकों को मिलेगा कमाई का मौका, मार्च 2022 में LIC IPO हो सकता है लॉन्च। जुलाई में ही बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई के महीने में ही 3% वृद्धि की जा सकती है। सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी के दाम में भी कमी देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर की मजबूती के कारण सोने की कीमतें घटी हैं। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कम किराए वाले एयरलाइंस पर लगाएंगे दांव। जोमैटो IPO में LIC भी कर सकता है निवेश, पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के इश्यू में LIC की दिलचस्पी। टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए काउंटी क्रिकेट में और आर अश्विनी हुए फेल, 258 गेंद पर लिए सिर्फ 1 विकेट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद की अपनी पहली समीक्षा बैठक, आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों का लिया जायजा। भारत श्रीलंका मैचों के शेड्यूल के बाद समय में बड़ा बदलाव किया गया, पहले वनडे रविवार को दोपहर 2:30 बजे के बजाय अब 3 बजे से खेला होगा। यूरो कप 2020 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की हार के बाद बेकाबू हुए फैंस, वेम्बले स्टेडियम में फैंस ने लिसेस्टर स्क्वाड पर जमकर किया हंगामा। पाकिस्तान के एक्टाबाद में बारिश से हाल बेहाल, जल जमाव की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। पाकिस्तान के एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भरा पानी, जल भराव में मरीजों को शिफ्ट करते नजर आए स्टाफ और परिजन। भारी बारिश के बाद लंदन के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लंदन में गलियां और सड़कें सैलाब में डूब गई हैं। सैलाब के चलते क्यूबा सेवा भी प्रभावित हुई। इराक की राजधानी बगदाद में एक हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, कोरोना वार्ड में लगी आग से 50 लोगों की मौत हुई, कई लोगों की हालत गंभीर। तालिबान के पास पहुंच रहे अफगानी और अमेरिका सैनिकों के इस्तेमाल हथियार, IB को शक, भविष्य में है ये हथियार कश्मीर के सक्रिय आतंकी गुटों तक आ सकते हैं। तालिबान का इमरान खान सरकार को झटका, कहा हम पर तानाशाही नहीं कर सकता है पाकिस्तान, भारत से जताई निष्पक्षता की उम्मीद। अफगान सेना पर बड़े हमले का तालिबान ने किया है दावा, वीडियो जारी कर अफगान एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कही बात। शिल्पा शेट्टी ने एक बार फिर अपने डांस से फैंस का चुराया दिल, नए वीडियो में सोशल मीडिया स्टार जन्नत जुबैर के साथ थिरकती नजर आई शिल्पा शेट्टी। विंबलडन मैच देखने प्रियंका चोपड़ा ने पहली लाखों की ड्रेस, 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है ड्रेस की कीमत। डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के रेड कार्पेट पर उतरी सुपर मॉडल बेला हदीद, बेला का नेकलेस देखकर उड़े सबके होश, रेड कार्पेट से जुड़ी तस्वीरें हुई वायरल। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने शेयर किया खास वीडियो, फैंस को बताया कैसे करती है मेकअप। टीवी स्टार रूबीना दिलैक ने फिर ग्लैमरस अंदाज दिखाया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए वीडियो। एक खेत में लगे पुतले ने हर किसी को हैरान कर दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो देख करके लोगों ने कहा ये तो काफी डरावना है। सोशल मीडिया पर एक शख्स के चर्चे, गोली से भी तेज खोलता है बोतल का ढक्कन, वीडियो देखने वालों ने कहा वाह क्या टैलेंट है। और पंछियों ने अपने अंदाज में खेला वॉलीबॉल की तरह लगने वाला गेम, इंटरनेट पर लोगों को वीडियो पसंद आया।